अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फरा इकबाल। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं कसूर में और मेरे साथ सुमैरा मौजूद हैं, जो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए लोगों के घरों में सफाई सुथराई का काम करती है। मुलजिम अकबर के घर उसके घर का काम करने के लिए गई है, लेकिन अकबर ने इसको घर में अकेला पाकर गन पॉइंट पे इसके साथ ज्यादती की है, बहुत ही तशद्दुद किया है। ये सारा वाकया किस तरह से हुआ है जानते हैं सुमैरा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुमैरा कैसी हैं आप? हम ठीक हैं। सुमैरा मुझे ये बताओ कि मुलजिम ने आपके साथ ज्यादती कब और किस तरह से की है? मैं रस्ते में जा रही थी किसी के घर काम करने के लिए, उसने बोला मैं फोन आया, कहना आप ही भी जल्दी आ जाओ। मैं फोन बोला अकबर रस्ते में रक्षे बैठा आया से, कहना जी मैं फोन दे गल पूरी। मुलजिम का नाम अकबर है? हाँ अकबर है। कहना जी बेटा सामने भी काम वाल चाहिए है, तो मैं चुप कर गई पूरी गल सुन। कहना बेटा चुप कर गई है, दसिया नहीं है मैं चाचू जी, मैं तारफ नहीं तो पता नहीं है, मैं लड़का किसी का नहीं काम कर सकनी है। अच्छा आप रिक्शे में जा रही थी, ठीक है, और आप किसी से बात कर रही थी कि भी मैंने काम के लिए मुझे तलाश है, मैंने काम करना है। उसी रिक्शे में ये मुलजिम बैठा हुआ था अकबर था? अकबर मैं ले रही ना। अच्छा। उस रिक्शे में बैठा, कहना बेटा मेरा पांच नंबर गली च कार है, तो मैंने ना रैश इधर ले आनी है, कोठी ली हुई है, तो सफाई नहीं की थी मेरे पिछले ने बस दरियाओं पा रहे और इधर आना है, दो तीन दिन वास्ते भी सफाई कर रैश इधर लेके आनी, मेरे सारे आने बीवी बच्चे, तो मैं चाचू कोई गल नहीं मैं आ जाए कर दाँगे ना, अभी दो मिनट बने मिल जाएगी, तो दो तीन घंटे का काम मैं करके चले जाना। मैं ठीक है, मैं एक दिन गई है, कहना बेटा अभी आ जाना सुबह आ जाना। सुबह गई है, कहना बेटा मेरा पानी खराब है, तो झाड़ू एक नहीं लेंदा तुम सुबह। पहले दिन आपको काम करने नहीं दिया, वैसे ही वापस आ गई? वैसे वापस आ गई, दूसरे दिन ही उन्हें ऐसे बोला बेटा मैं बाजार में ठीक तबीयत नहीं ठीक है, मैं झाड़ू नहीं ला सका, पानी वाला पंप खराब है, सुबह आना सुबह क्लियर काम करके दो तीन घंटे चले जाना। मैं ठीक है, मैं अगले दिन 2 बजे गई हूँ, 2 बजे गई मैं इसे दिन 2 बजे गई, क्योंकि 2 दिन आप गई उसने काम नहीं करवाया, वैसे ही वापस भेज दिया। हाँ जी, कहना बेटा हासुर आ जाना सुबह, बेटा हासुर मैंने ना मैं तो नहीं यकीन। बेटा क्या बुला रहा था? बेटा कह बेटा सुबह हासुर आ जाना, बेटा सुबह किन्ने बजे से रैश ले आनी है, तो थोड़े इंतजार से रहिए। मैं चाचू कोई गल नहीं, मेरे पिमा मगर तुम कह तो कोई गल नहीं मैं आ जा, तो मैं तीसरे दिन गई दरवाजा खोले, मैंने कहा बेटा इधर मंजी बैठ जा। कितने बजे का टाइम था जब आप गई है काम पे? 2 बजे। कहना बेटा मंजी तो बैठ जाएगा, बाहर गया मैं घर बाहर, कल एक 5 मिनट बाद आ गए वापस। वापस आया तो कहना जी मैं अंदर, मैं चाचू मैं अंदर अंदर वाड़ा, उन्होंने सफाई जाला कपड़ा पैदा बारियां साफ कर, मैं झाड़ू लेके आना वा, इन गल की बार में और कोई नहीं था, नहीं कला ही, तो मैनू एतमाद नहीं सी भी नहीं मेरा जाती होनी है, भी वडेरी उम्र 70 साल की उम्र है, तो कहना मैं बाबा जी कौन होंगे, कहना असं राई हाँ, बाद रौला पे कहना पता लगा जी डोगर होंगे ने। मैं गई हाँ तो मैं कमरे से झाड़ू सफाई कर लगी हाँ, उन्हें कमरा बाद कुंडी लोग कीती है, बाद कुंडी लोग आके नाद कमरे च गया ने, तो नाद कमरे च उन्हें पिस्टल निकालिया, तो मैनू गया इस कमरे च आ गया, मैं ना डर गई कि यकदम भी इन्हें पिस्टल, कहना इन्हें मैंने वैसे ही मैं फड़े मैंने ना इन्हें सफाई करनी है, मैं धुप्पे पै सफाई करना वा, तो वह इन्ना मेरे कमरे च आ गए, वो भी कमरा लोग करता, मैं बाद में उन्हें फड़ लिया था, इन्हें फिर मेरा एक मूँह तो हाथ रखा, एक ने मेरे दिमाग से पिस्टल रखे रख के, देना गया भी बीबी हूं है मेरे 2 मिनट का काम है, मेरी बीवी नहीं हैगी, तो 2 मिनट वास्ते काम करो, बाद काम करके तुम घर चले जाना, जो थोड़ा खर्चा मिले तो बनेगा तो मिल जाएगा। तो मैं बाबा जी असं यह काम करना हो तो अभी भी लोगों का काम नहीं करते, असं यही काम करके तो अभी अभी अपना रिजक रोटी बना कमाइए, तो सू ऐसे पैसे लोग सू नहीं मना है, असं अपना हक लाद करनी तो असं अद्धी खा लेंगे, इन्हें जोरों जर भी मेरे कपड़े पार दिए ने, कपड़े पा के जोरों गोली खाई, मेडिसिन खा के 15 से 20 मिनट लाए ला के, बड़ी जबरदस्ती की, 3-4 दिन मैं उठिया नहीं गया, मेरे को मैं मंजी तो पई रही, फिर मेरा साड़ा मसाया से वकील अच्छा पिंड च रह के आए समय, वहां से आप फिर निकली किस तरह से, जब उसने आपके साथ ज्यादती की, आपने शोर नहीं मचाया घर में, कोई भी नहीं आया? नहीं, मैं शोर नहीं मचाया, मैं डरती हूं, मैंने पिस्तौल मार आंदे, कहता शोर मार, मैं साड़ा दुश्मनी वाले बंदे हैं, साढ़े 300 केस चलते पैने, तो अगे साढ़े एक भाई मरिया, दो ना मारे एक असी मारे, तो तू जो शोर शराबा करेंगी तो तेन मैं मार दांगा, मैं डरती ना, मैं एक तो बदनाम हो जाऊंगी, तो एक मैंने मार देगा मेरे बच्चे रुल जाए, मैं शर्म की मैं चुप कर कार आगे रोंद रही है, तो मैं ना वकील फोन किया, मैं बाजी बड़े ना शर्म शर गल की, मैं बाजी आ गल तो आ बाद मेरे ना जाती होगी किसी का काम करने वास्ते, उन्हें बीबी तू ना आया सी जा मर जा लड़ा, मुझे दरहास देते हैं, अभी दरहास एक डीपीओ को पेश हो, दूसरे दिन लगा तुम ना अस्पताल चले जाना मेडिकल करवा, मेडिकल करवाने वास्ते उन्हें मैंने बुलाया नहीं है, अभी मैं थाना भीड़ भी 2 चक्कर लाए, तीसरी दवा मैं थोड़ी गर्म हुई हूँ, तो उन्हें मैंने ना बुलाया, उन्हें बीबी तुम सू की चाहिए, मेरे पाए इंसाफ चाहिए, कहना इंसाफ है, मेरा मेडिकल कराओ, दिता बंद ना इन सजा दो, मेडिकल करा के रिपोर्ट ले आए हैं,
मेरे पास है। मुजरम का कहना है बीबी तो उन्होंने जासूस भी कहा जा रहा है कि आप सुलह कर लो पैसे लेके वरना आप 420 का केस डाल दिया जाएगा। 420 का केस डाला जाएगा और तू जो जो थे लेने दो खुद ज्यादा ला लेंगे। फिर खुलासी नहीं होनी एंड सजा मिल जाएगी। मुजरम के साथ सजा मिलेगी तो 420 का केस पाया जाएगा। मैं डरती कार रिश्तेदारों में आसपास कोई ऐसा नहीं है जो आपकी मदद कर सके आपके साथ चल सके। नहीं मैं दस नहीं किसान सारा मेरा मेरी माँ मरी हुई है अब कली है नशा करो भी करो निकल गया 14 तारीख का वाक्य होया 18 तारीख भी करो चले गया। क्यों गया वो घर से? ऐसी बात तो लोगों ने बोला अभी तेरी बीवी रखने के लायक नहीं काबिल नहीं रहेगी इसको छोड़ दो इसकी इज्जत और बर्बाद कर ली है इसको छोड़ दो तो नहीं शादी कर लो भी नशा पानी करता है नहीं सुन रहेगा मैं किराए का मकान है 5000 रुपया किराया मालूम मकान बोलिया बीबी कराया था मैं को किराया नहीं है उन्हें बीबी समान चुके कितने मैं चली जाऊंगा मैं समान छोड़ के बाद मारूंगा मैं नहीं परेशान मेरी पुलिस भी गल नहीं सुन रही। मुझे बताएं कि जब आपका शोहर आपको छोड़ के गया उसको ये बात पता चली है तो क्या उसने आपको मारा पीटा या कुछ काफी उन्हें मारा पीटा मैं तेन मना करता किसी का काम ना कराया करो मैं कोई गल नहीं घर का किराया बन जाएगा बच्चे मेरे अच्छी तबीयत भुखे नहीं मरेंगे नाल मेरे अपना गुजारा करते हैं कि हम लोग जितने भी रेप के केस करते हैं जितनी भी स्टोरियां जो है वो मंजर यहाँ पे लेके आते हैं उनके एंड पे हमें यही कहना पड़ता है या तो पुलिस जो है मुलजिमान के साथ मिल जाती है यहाँ जो जिसके साथ ही सारा वाकया हुआ होता है उसी मदई को कहा जाता है कि तुम्हारे पे 420 का केस डाल के या कोई भी तुम्हारे पर केस डाल के तुम्हें जेल में भिजवा दिया जाएगा या कोई और जो है तुम्हारे साथ जबरदस्ती की जाएगी। मतलब पुलिस हमारा कानून जो है वो इंसाफ देने में नाअहली कर रहा है बहुत ही कामचोर है और जो बेचारा पहले ही बेचारी परेशान है सुमैरा अपनी इज्जत जाने की वजह से इसका शोर उसको छोड़ के चला गया बच्चों की जो है तरबियत नहीं हो पा रही है कमाने के लिए कुछ नहीं और दूसरा अपनी इज्जत गवा बैठी है उसी के साथ जो है जोर जबरदस्ती के साथ बहुत ही गलत रवैया अख्तियार किया जा रहा है। पुलिस हुक्मरान को सबको मैं यही कहना चाहूंगी कि इस केस को देखें और उस मैरा को इंसाफ दिलाएं। मुझे दीजिए इजाजत फिर मिलेंगे अल्लाह के बाद।